माननीय प्रधान जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का मैं सभी का आभारी हूँ कि मेरे जैसे एक सैनिक परिवार में पैदा हुए, एक सैनिक के पुत्र को जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, उनको एक मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। देखिए, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुआ, सीमांत क्षेत्र में, और कर्म भूमि के रूप में मेरा क्षेत्र खटीमा है। खटीमा से मैं लगातार दिन उसी क्षेत्र से चुना जाता रहा। उस क्षेत्र के लोग मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करते रहे। वो एक अपने आप में लघु भारत है। भारत नेपाल सीमा के निकट का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है। वहाँ पर सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और मेरी पार्टी ने मुझे जो ये काम करने का अवसर प्रदान किया है, मैं निश्चित रूप से प्रण से कोशिश करूँगा कि उत्तराखंड की जनता की सेवा करूँ। और आपका देखिए, मैं सभी अपने प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रियों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत सारे मैंने उत्तराखंड के जो विकास के प्रपोजल हैं उनके सामने रखे हैं। कुछ पाइपलाइन में तो मुझे आश्वासन दिया है कि उन सबको जो है जल्द से जल्द उनको धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, हम अच्छी बिजली वहाँ पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहाँ पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है। सर, कांवर यात्रा को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? यूपी ने परमिशन नहीं दिया है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रेशर में हैं। कैसे लगा आपको प्रेशर में? अभी तो कोई डिसीजन नहीं हो पाया। नहीं, हमारे यहाँ से ऑलरेडी डिसीजन हो रखा है। 30 जून को जो है मेरे से पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो है ये हो चुका है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, लेकिन श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ होता है और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने पहले इस पर जो है दोनों तीनों राज्यों के अधिकारी स्तर की हमने मीटिंग रखी है। अभी उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो और उच्च स्तर की करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर लोगों की जान माल को खतरा न हो, जान माल सुरक्षा रहे, यानी कि किसी की भी जान न जाए। हर किसी की जान बहुत ही जो है कीमती है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे कि किसी को जान को खतरा हो। सर, किन किन सवालों को लेकर आप आगे चुनाव में जाएंगे? देखिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की जब केंद्र में जब से सरकार बनी, उत्तराखंड के अंदर जितने काम उत्तराखंड के अंदर हुए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी जी के ये 7 सालों के बराबर काम 60 सालों में मिले। और चाहे आप स्वयं देखेंगे, अगर आप उत्तराखंड आते होंगे तो आप देखेंगे चारधाम जाने वाली जो रोडें हैं, ऑल वेदर रोडें किस तरह से बन गई हैं। ये कोई कहने की बात नहीं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, मेरी पार्टी की सरकार है, मैं मोदी जी की पार्टी का हूँ, ये नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्वयं मालूम चलेगा। आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे तो आपको स्वयं सड़कें दिखाई देंगी। आप जो है देहरादून से काशीपुर जाएंगे, देहरादून से आप काशीपुर से आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो हर जगह आपको दिखाई देगा। चाहे आप काठगोदाम से हल्द्वानी से रामपुर जाएंगे तो आपको सड़कें दिखाई देंगी। आपको ऋषिकेश से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जो है कर्णप्रयाग जाएंगे, हर जगह आपको जो है जिस प्रकार की रोडों का जाल बिछा हुआ दिखेगा। चाहे आप कैलाश मानसरोवर की तरफ जाएंगे, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी धरातल पर आने हैं, इतने सारे काम हुए हैं। इसके अलावा जो है इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी जिस प्रकार से गरीबों को आज राशन देने की योजना हो रही है, आप देख रहे होंगे कि पहले लोग वैक्सीन को लेकर हल्ला मचा रहे थे, फिर कुछ दिनों के लिए वैक्सीन कम हुई तो उन्होंने जो है दूसरी बातें करना शुरू कर दिया। तो ये सब उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है और 4 साल के कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं। उत्तराखंड की सरकार ने मेरे से पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। जिनके शिलान्यास हुए हैं हर किसी का लोकार्पण करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ,
यानी कि जो काम हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, मेरी पहली प्राथमिकता है कि उन कामों को हम जो है पूरा करें। इसके साथ साथ जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं, उन सबके लिए हमने जो है पहली कैबिनेट में भर्तियां निकालने के लिए जो है वो कर दिया है, कैबिनेट में हम प्रस्ताव लेकर आ गए हैं। और जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं उनके लिए हम स्वरोजगार के माध्यम से भी लाखों रोजगार क्रिएट करने का काम करें। सर, सरकार और संगठन में अभी भी लोग नाराज हैं, सरकार और संगठन में अभी भी लोग नाराज हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि अभी हरक सिंह रावत का जो स्टेटमेंट आया था 100 यूनिट को लेकर के बिजली मुफ्त देंगे, उनका बयान कुछ और था, फिर आपने उस पर डिनाई भी किया, तो उनके बयान से सहमत 100 यूनिट फ्री दीजिए बिजली, उन्होंने कहा कि आपसे नाराज हैं? नहीं 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 नहीं, इस तरह ये बोला कि 100 यूनिट उत्तराखंड को बिजली फ्री देंगे हर एक को 100 यूनिट। अभी आप ये बताइए कि कहाँ आपको लगता है कोई नाराज है? कोई नाराज है एक तो बताइए, एक का नाम बता दीजिए इसने कहा हो आप लोगों से कि मैं नाराज हूँ। सभी को हम तो साथ में लेके चल रहे हैं भाई, हैं? मैं सबसे उसमें मंत्रिमंडल में हमारे जो है सब लोग बड़े सीनियर हैं, बड़े अनुभवी हैं, और छोटे को अधिक नहीं मिलता है सबका। मैं सभी का साथ लेकर जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हमारी पूरी टीम है यार, छोटा बड़ा नहीं, जिसको आगे कर दिया जाता है वो सबको साथ में लेके चलता है। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है, क्योंकि आप कई बार देखा जा रहा है कि आप बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में सीएम की लड़ाई है, वो खुद अपने सीएम को खराब बताते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो दिल्ली के चक्कर लगा रहा है। आपको लगता है कि उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं? क्योंकि अब उत्तराखंड हमारे सामने, हमारे सामने केवल चुनौती है कि उत्तराखंड को आगे ले जाना है। और दूसरी बात है, किसी का एजेंडा केवल चुनाव हो सकता है? हमारा एजेंडा इतना बड़ा है जो मैंने आपके सामने रखा है, विकास का एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना ही हमारा एजेंडा है। हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है उनको पूरा करना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है लोगों को रोजगार देना, हमारा एजेंडा है लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, हमारा एजेंडा है कि सरकार केवल सरकार के रूप में नहीं साझेदार के रूप में काम करे, ये हमारा एजेंडा है।